पोल हेमन की वजह से पड़ गई ब्रोक लेसनर को मार। तो गाइस WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन 7 जनवरी का एपिसोड हो चुका है जिसकी शुरुआत ही धमाकेदार रही। यहां पर पोल हेमन की वजह से रोमन रेंस के हाथों ब्रोक लेसनर को मार पड़ गई। तो इस वीडियो में हम रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर के इसी सेगमेंट को हिंदी में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के इस एपिसोड की शुरुआत होती है रोमन रेंस की एंट्री के साथ। रोमन रेंस यहाँ पर अकेले ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ आते हैं। रोमन रेंस यहाँ पर कहते हैं कि एक्नोलेज मी न्यू इंग्लैंड। आगे रोमन रेंस कहते हैं कि मैं एक हफ्ता नहीं आया तो यहाँ पर सब कुछ बदल गया। जब आप आइसोलेशन में होते हैं तो कई सारी चीज़ें सोचते हैं। उस दौरान कई सारी चीज़ें मेरे मन में आई जो मैं करना चाहता हूँ। मैं कई सारे लोगों को देखना चाहता था, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर। उन दो लोगों को मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखना चाहता हूँ, और वह दो लोग हैं ब्रोक लेसनर और पोल हेमन। रोमन रेंस के इतना कहते ही ब्रोक लेसनर का म्यूजिक सुनाई देता है। ब्रोक लेसनर यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप और अपने एडवोकेट पोल हेमन के साथ आते हैं। यहाँ पर पोल हेमन माइक लेकर बोलने ही वाले होते हैं कि ब्रोक लेसनर उनसे माइक छीन लेते हैं। ब्रोक लेसनर यहाँ पर पोल हेमन की तरह मिमिक्री करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, रनिंग डिफेंडिंग हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड ब्रोक लेसनर। देखो, पिछले हफ्ते जो मैं चाहता था वह मुझे मिल गया, और जो तुम चाहते थे वह तुम्हें मिल गया। क्यों ना अब एक टाइटल वर्सेज टाइटल और चैंपियन वर्सेज चैंपियन मुकाबला हो। तो रोमन रेंस कहते हैं कि आइडिया अच्छा है, लेकिन यह मेरा आइडिया नहीं है और यह मेरा शो है, इसलिए मैं उन लोगों के साथ बिजनेस नहीं करता जो पोल हेमन जैसे कचरे को अपने साथ रखते हैं। तो पोल हेमन रोमन रेंस के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया क्योंकि मैं तुमसे लव करता था। तो यहाँ पर ब्रोक लेसनर पोल हेमन को चुप रहने के लिए कहते हैं, और इतने में ही रोमन रेंस मौका देखकर ब्रोक लेसनर को सुपरमैन पंच लगा देते हैं और फिर बैक स्टेज चले जाते हैं। तो यहाँ पर पोल हेमन की वजह से ब्रोक लेसनर को मार पड़ गई, और अब हमें आगे रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर का मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। तो गाइज, क्या है आपके ख्याल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।